नमस्कार आपण मानको स्वागत जनई आरंभ करुछु आजिर राउरकेला संवाद। कोविड महामारी जनित स्थिति को दृष्टि रखी आपण को मास्क सठिक रूपे पिंधिबा, बारंबार हाथ धोइबा, सामाजिक दूरता बजाय रखिबा एवं जनगहलीपूर्ण स्थान दूरे रहिबा भली कोविड युक्तियुक्त आचरण पालन करिबा को अनुरोध। सेल राउरकेला इस्पात कारखानार ब्लास्ट फर्नेस विभागीय कर्मचारी उत्कर्ष पुरस्कार योजना रे पुरस्कृत। स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पालन उपलक्षे राउरकेला इस्पात कारखाना आनुकूल्यरे आयोजित ग्रामीण हॉकी टूर्नामेंटरे जलदा आरएस कलोनी दल चंपियन एवं विश्वनाथ दास एक अनन्य जननायक। वर्तमान शुणु संपूर्ण संवाद। सेल राउरकेला इस्पात कारखानार ब्लास्ट फर्नेस विभागीय कर्मचारी दल नट कोक वे हफर क्षमता वृद्धि करी कोक हार एवं हॉट मेटल उत्पादन मूल्य ह्रास करिबारे सफल होइछंती। सूचना योग्य जे नट कोक वे हफर कमिशन अनुजाई सर्वाधिक धारण क्षमता 3 टन रहिथिला तेनु चार्ज पई केवल 2.8 टन नट कोक निया जाई पारुथिला। उपलब्ध नट कोक व्यवहार वृद्धि होइपारु नथिबा एवं नट कोक बंकर रे स्थान अभाव कारणरु नट कोक को कंचामाल प्रबंधन विभाग को फेराई निया जाउथिला। ब्लास्ट फर्नेस रे कोक हार ह्रास करिबाकु चार्ज हार रे नट कोक क्षमता वृद्धि करिबा आवश्यक थिला। विभाग सीनियर मैनेजर श्री विवेक कुमार तेजन, मैनेजर श्री विक्रम कुमार ग्रांथी, सीनियर टेक्नीशियन श्री अभिमन्यु साहू, टेक्नीशियन श्री ज्योति प्रकाश साहू, श्री अभिक मंडल, श्री अमरेश कुमार, श्री संजीव महापात्र एवं ओसीटी श्री मुरलीधर पांडे समस्यार समाधान खोजिबा पई मानस मंथन करथिले। विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण परे एहा देखागला जे नट कोक वे हपर रे टनेज क्षमता 500 किलोग्राम वृद्धि हेबार संभावना रहिछि। एहा अनुजाई लोड सेल गुड़िक बदलागला, लोड सेल कंट्रोलर गुड़िक पुनर्विन्यास करागला, सठिक कैलिब्रेशन करा सहित पीएलसी एवं एचएमआई रे थिबा लॉजिक गुड़िक निजस्व रूपे परिवर्तित करा जायथिला। एही परिवर्तन सहित हॉट मेटल पई टन पिछा नट कोक हार 38 किलोग्राम रु 45 किलोग्राम को वृद्धि पाई। एहा मध्य उपलब्ध नट कोक व्यवहार रे वृद्धि एवं कोक रेट एवं हॉट मेटल उत्पादन मूल्य रे ह्रास आनी। ब्लास्ट फर्नेस सम्मेलनी हॉल रे आयोजित एक कार्यक्रम रे सीजीएम ब्लास्ट फर्नेस श्री बी आर बाबू सेमानकर अभिनव खर्च संचय प्रकल्प पई कर्मचारी दल को पुरस्कृत करथिले। यह अवसर में जीएम इलेक्ट्रिकल श्री पी महापात्र, जीएम ऑपरेशन श्री सुमित कुमार, जीएम मेकानिकल श्री एस देव एवं विभाग अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पालन उपलक्षे सेल राउरकेला इस्पात कारखाना आनुकूल्य आयोजित ग्रामीण हॉकी टूर्नामेंट 2021 जलदा आरएस कलोनी हॉकी दल चंपियन आख्या लाभ करिछि। अक्टोबर 27 तारीख में सेक्टर 5 स्थित विजु पटनायक हॉकी स्टेडियम ठारे अनुष्ठित यार फाइनल मैच रे जलदा हॉकी दल 4-1 गोल व्यवधान रे पूर्णापाणी दल को परास्त करिथिला। पूर्वर सेमीफाइनल मैच रे पूर्णापाणी दल हॉकी दल बांकी बहाल दल को 2-0 गोल परास्त करिथिबा बेले अन्य सेमीफाइनल मैच रे जयडेगा दल को 1-0 गोल परास्त करी जलदा दल फाइनल रे प्रवेश करथिला। उद्यापनी उत्सव में आरएसपी कार्मिक एवं प्रशासन विभाग निर्वाही निर्देशक श्री प्रमोद कुमार शतपथी मुख्य अतिथि रूपे जोगदे विजेता एवं उपविजेता दल को पुरस्कार प्रदान करते। यह अवसर में सामग्री प्रबंधन एवं मार्केटिंग विभाग सीजेएम इनचार्ज श्री सीआर महापात्र एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। विजेता दल चंपियन ट्रॉफी एवं 10,000 टंका पुरस्कार राशि लाभ करथिबा बेले उपविजेता दल ट्रॉफी एवं 5,000 टंका पुरस्कार राशि लाभ करथिले। पूर्णापाणीर सुधीर लागुन टूर्नामेंटर श्रेष्ठ खेलाड़ी भावे और जलदा आरएस कलोनी दल कमल चंद बार्ला श्रेष्ठ गोलकीपर भाव में सम्मानित कर पूर्णापाणीर मानदीप केरकेटा और बांकी बहाल दल अजय एक्का यथाक्रमे श्रेष्ठ फरवर्ड और श्रेष्ठ मिडफिल्डर पुरस्कार लाभ करते। यह प्रतियोगित जलदा आरएस कलोनी, लाइंग कलोनी, पूर्णापाणी, बिक्रेरा, झीरपाणी आरएस कलोनी, जयडेगा आरएस कलोनी, लछड़ा आरएस कलोनी एवं बांकी बहाल आरएस कलोनी समुदाय 8 दल अंशग्रहण करते। उद्यापनी उत्सव में प्रोटोकल हस्पिटालिटी समाज कल्याण विभाग जीएम श्री बीके राउत,
स्वागत अभिभाषण प्रदान करथिबा बेले सीएसआर विभाग रो जीएम सुश्री मुनमुन मित्रा धन्यवाद ज्ञापन करथिले सीआरएम विभाग रो सीनियर टेक्नीशियन श्री अनिल कुमार मल्लिक कार्यक्रम संयोजना करथिले स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पर्व पालन अंश स्वरूप आमे ओडिसा रो किछि जनाशुणा एवं जन आढुवाळ रे रहि जाइथिबा किछि महान स्वाधीनता संग्रामीक विषय रे खबर प्रसारण करूछु आमर आजिर व्यक्तित्व हेउछन्ती विश्वनाथ दास अनन्य जातीयतावादी नेता दक्ष प्रशासक वकिल राजनेता प्रकृत देशप्रेमी राजनीति रे नैतिकता एवं पारदर्शितार परिचय देथिबा विश्वनाथ दास समसामयिक नेताक मध्यरे अन्यतम अटंती से आम राज्यर स्वल्प राजनेता मध्यर जड़े जी अतीतने जितिय स्तर को जाते से 1899 मसीहा मार्च 8 तारीख में गंजाम जिलार पोलसरा ग्राम से जन्मग्रहण करते 1921 मसीह से कांग्रेस दल में जोगदे असहयोग आंदोलन में भाग नहीं 1921-1931 मसीहा से तीन थर मद्रास विधान परिषद को मनोनीत होते 1937 मसीह से प्रथम विधानसभा को निर्वाचित होते 1937-1939 मसीह पर्यंत से ओडिशार प्रधानमंत्री भाव में निजुक्त होते से पुनर्बार 1961 मसीह ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते 1962-1966 मसीह पर्यंत से उत्तर प्रदेश राज्यपाल भाव में कार्य करते से 1995 मसीह ऑल इंडिया सर्विसेस ऑफ इंडिया सोसाइटी दलर सदस्य थे एवं 1966 से सभापति होते से भारतर चारोटी पवित्र धाम वेद भवन प्रतिष्ठा करते नैतिकता सरल जीवन जापन एवं उच्च चिंताधारा प्रतीक विश्वनाथ दास 1984 मसीह जून 2 तारीख में मृत्युवरण करते आज संवाद कक्ष नमस्कार।